लाइफ अ ग्रैंड गैम्बलिंग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो लेकर आ चुका हूं मैं ब्लैक जैक की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ठीक है गाइस, तो इसमें यार आप सभी ने बोला था, मान लो यार एक तरीके से ये भी जो है ना आपका चैलेंज था, वो भी मैंने आपका जो है एक्सेप्ट कर लिया है और मैं चैलेंज भी पूरा कर दिया है। ठीक है, लेकिन यार लास्ट में जो है ना मैं यार किसी वजह से हार जाता हूँ। ठीक है, वो भी आप देखते रहना मैं क्यों हार जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भाई मैंने देखा था कि यार इसमें क्या क्या रोल है, कि क्योंकि इसमें इंजीनियर है तो भाई मैं मेरे को जो है ना वेंट में घुस के सबसे पहले इंजीनियर का ही रोल देखना था। ठीक है, और जिस प्रकार से भाई यहाँ पर जो है ना वाइट आया था ना, मेरे को लग रहा था कि शायद ये ड्रेनर हो सकता है, क्योंकि अगर ड्रेनर ने भाई टपका दिया ना एकदम से टिप देना तो भाई मैं भी मर जाऊँगा यार, समझ रहे हो ना भाई। अबे भाई ये क्या हुआ भाई। अबे भाई मैं तो यार अभी सोच रहा था कि भाई यार मेरे को ही मार देगा। यहाँ पर भाई ये जो है ना बॉडी यार यहाँ पे मिल गई। ठीक है, आइस ब्राउन को देखो यार, वाह क्या सीन है, वाह ये हुई ना बात भाई। अब यार ब्राउन को जो है ना यहाँ पे बॉडी मिल गई है, और देखो भाई मैंने भी कुछ नहीं किया अब, बल्कि ये और बात यार सही बोल रहा हूँ यार, बहुत ही ज्यादा गजब हुआ है मेरे साथ यार, कि ये जो सियान है ना ये सियान जनरेटर है भाई। क्या बोला तूने, क्या बोला तूने, मतलब कि जनरेटर नहीं भाई, मतलब जनरेटर है जो कि भाई मार नहीं सकता किसी को। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना। अरे बस कर भाई, भाई कितने बड़े हो यार तुम लोग, कितने बड़े हो बाबा। भाई कोशिश रखो अपने फासला रखने की, कोई भी पास है दूर जाना, और ये भाई येलो आप दोबारा आ गए मैच में, चलो कोई नहीं। और हाँ ना बता, पूछो रोल ना पूछो, ब्लैक जैक है ठीक है, और ना मैं भी बताने ही लगा था ऑलमोस्ट अपना रोल। ठीक है, और मैं था, मुझे याद नहीं मैं कहाँ था। अबे छूती है कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कि हमें पहले से ही पता है कौन कहीं को निकाल स्टोरेज में बॉडी मिल गई मार के आया था, पिंक को निकाल दो वैसे ही पता ही पता चल गया। ब्राउन कैमरा देख रहा था, ब्राउन इस चूतिया का क्या ही मुंह लगना भाई, चूतिया का क्या ही मुंह लगना, पिंक करो भाई। देखो सुनो यार, ग्रीन तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ है जरूर, ठीक है, लेकिन उधर बताओ ना कंट्रोल सेंटर में से कोई निकल कर आया था यार, मुझे पता नहीं है कौन निकल कर आया था यार, मुझे बताओ पहले, लाइक करो भाई जो भी निकल कर आया हो कंट्रोल सेंटर में से, कौन निकल कर आया था भाई, भाई लाइक कर भाई जल्दी सर, कौन निकल कर आया था कंट्रोल सेंटर में से, पिंक तू निकल कर आया था तो बता फिर भाई यार किसने मारा है उधर, क्योंकि यार कंट्रोल सेंटर में बॉडी मिली है तो फिर बता भाई किसने मारा है उधर। अब भाई ग्रीन को जो है ना पहले वोट करके निकालो, और डॉक्टर कौन है बताना मत बस यार, ठीक है भाई। वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ, एंड भाई ब्लैक जैक तू एक काम कर, मुझे भी मार सकता है, मैं तो डॉक्टर हूँ, एंड भाई ये ग्रीन फैंटम है तो भाई किसी भी मीटिंग में इसको मत मारना, ठीक है। शेरिफ एंड ब्लैक जैक, ग्रीन 101% फैंटम है, मैं लेके चला गया था फिर भी रिपोर्ट कर दी पूरी, तो भाई इस नूबड़े को कोई वोट भी मत करना, निकालना भी मत, इसका गेम हम खराब करेंगे, ठीक है भाई। येलो मेरे को पता नहीं, कोई बैंड करके अगर वहां से मार के निकल गया हो मेरे आने के बाद तो वो भी पता नहीं, लेकिन वो था वहां पे उसके बाद नहीं था। ब्लू ब्राउन से पूछ, ब्राउन वो रिएक्टर की तरफ से बूस्ट लगा के आया तो मैं ऊपर गया, ऑरेंज था नीचे वाले इंजन में, मैं ऊपर जाकर टास्क कर रहा हूँ, ब्राउन बूस्ट लगा के आया और ब्लू भी क्रॉस करके गया, इन दोनों ने तीनों ने मेरे को देखा है, बाकी मेरे को नहीं पता, मैं नहीं हूँ लेकिन। सॉरी ग्रीन कोई करो, ग्रीन ही है, मैं सिक्योरिटी रूम में देख रहा था, ग्रीन नहीं मारा, ठीक है ना, किसी को कोई करने की जरूरत नहीं, ग्रीन ही है, ग्रीन को वोट आउट करो, और मेरी बात सुनो, RIP पर्पल लिख दो, डॉक्टर को देख लिया होगा अभी बेटा, इतनी छुपाने की जरूरत नहीं है, येलो डॉक्टर देख लिया इसकी कौन है, RIP पर्पल लिख दो सब लोग, चलो निकालो अभी ग्रीन को वोट आउट करो। म्यूजिक बनाया तुमको मारा था, ठीक है, ब्राउन ही डॉक्टर था।
देखो गाइस यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि ये बताओ ना वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, तो बिल्कुल भी गाइस वीडियो को स्किप मत करना। अगर मीटिंग में है ना तो उसको कृपया करके ध्यान से जरूर सुनना, ठीक है। देखो अब पिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट जा रहे हैं। देखो भाई सुनो, मैंने तो भाई देखो इसको बताओ ना वो देखा नहीं है मिड बेस स्कैन, लेकिन हाँ भाई जिन्होंने भी देखा है ना यार वो बताओ ना दोबारा जाओ और अब की बार बताओ ना इसका गिमिक और पूछ लो, ठीक है। हाँ देखो इसने अपना गिमिक बता दिया, देखो इसका शूज गिमिक है, तो बताओ ना जब भी तू जाए ना भाई तो गिमिक लगा कर ही जाइयो या फिर तू मिड बेस स्कैन कर ले, पर पूरा मत ना करियो, चाहे तो पूरा भी कर ले इसमें क्योंकि हैपनिस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो यार एक दो स्पेस क्रू रहने चाहिए जिनके पास मिड बेस स्कैन हो, सो फिलहाल के लिए वो ही जाओ जिन्होंने देखा हो। भाई सुनो पिंक तू अपना गिमिक दिखा देना क्योंकि भाई उसका भाई मैंने भी ये वाला लगाया है, तो भाई मेरा और तेरा एक ही टाइम में आएगा। अब ये मत बोलना कि भाई मेरा खत्म हो गया, ठीक है, अगर ये बोलेगा तो चांटे पड़ेंगे गाल पे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। नहीं नहीं अभी किसी को कोई कुछ नहीं करेगा, अगर रेड शेप निकला तो हम गेम हार जाएंगे क्योंकि इम्पोस्टर अगर दोनों बचे हुए हैं तो हम दो बंदे मारेगा गेम खत्म, कोई किसी को नहीं निकालेगा। भाई स्किप करो। अच्छा मैं आपको अपना एविडेंस देता हूँ, मेरे पास ना एस्ट्रॉइड्स का टास्क है, और चाहे शेरिफ मुझे मार के देख ले मगर शेरिफ खुद मरेगा, ये अगला मसला है। तो आप एक काम, मेरा गिमिक तो है रिमोट बटन, ठीक है, मेरा गिमिक अपना रिमोट बटन है, आप मेरा वो एस्ट्रॉइड्स देख लो, ठीक है, निकालने के बजाय मुझे। ओके भाई ठीक है। हाँ भाई अब स्किप करो, अभी सब स्किप करो, टिप्स नंबर वन कि कोई भी अगर किसी के साथ जाता है ना तो भाई उसे देखा करो कि कौन कौन किसके साथ जा रहा है, ठीक है, कि भाई कौन किसके साथ जा रहा है, कौन हमारे साथ है। वैसे तो हमें पता चलता है देखो कौन सेफ है, कभी कभी ऐसा होता है कि हैपनिस्ट आ जाता है तो यार गेम खराब हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आर्सोनिस्ट भी आ जाता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ था और कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। अब भाई एक चीज़ और देखनी है आपको, किसी को भी मारो मत करो, ठीक है ना, बस आपको क्या करना है कम्युनिकेशन डाउन कर देनी जिससे कि उनके टास्क दिखे नहीं, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो मुझे पता है वो किसने मारा इसको, मेरे ही साथ ही है, तो जाहिर सी बात है भाई पर्पल नहीं मारा है इसको यार, अब पर्पल सेरिफ है ऐसे ही पता चल जाता है अपना धीरे धीरे, तो गाइस देखते रहो इसको भी। भाई मैं रेड और पर्पल के साथ था, ठीक है ना, इतने भाई मैं जब मैं आगे चला वहीं पर जाकर मेरे को जो है सैन की बॉडी मिली है, हम तीनों जो है ना भाई विपंस वाला टास्क कर रहे थे, मतलब रेड जो है विपंस वाला टास्क दिखा रहा था अपना, पूछ सकते हो भाई अगर यकीन हो, लेकिन हाँ पर्पल जो है थोड़ी देर के लिए पता नहीं कहाँ चला गया था, हमें पता मैंने देखा नहीं शायद, लेकिन हाँ रेड और जब हम दोनों एक साथ थे ना जब मेरे को एकदम से बॉडी मिली है, पूछ सकते हो भाई रेड से खुद ही, अगर मैं किल करता तो भाई इतनी जल्दी बॉडी रिपोर्ट भी नहीं करता, रेड से खुद ही पूछ लो भाई। मैं पूरा बतलिया देता हूँ, ठीक है, मैं पिंक एक साथ गए थे, ठीक है, येलो एंड रेड को मैंने देखा था एस्ट्रॉइड्स में ऑरेंज के साथ शायद, ठीक है, तो भाई बचे थे सियान एंड ब्लू, तो ब्लू को निकालो गेम खत्म। मैं पिंक के साथ स्टोरेज में था, ठीक है, येलो एंड रेड ऑरेंज के साथ थे, ब्लू अकेला था तो ब्लू को निकाल दो। नो नो ये नहीं हो सकता। पर्पल कहानी अच्छी बना लेता है भाई, तू मेरे साथ था ही नहीं, ऑरेंज और ब्लू थे मेरे साथ, ऑरेंज और ब्लू थे मेरे साथ यार। पर्पल अच्छी कहानी बना लेता है यार, तू काम एक मूवी राइटिंग वगैरह में आ जा, तू मूवी अच्छी लिख लेगा भाई। स्टोरेज में मैं गया हूँ तभी मीटिंग बजी है, जब मैं स्टोरेज में आया हूँ ना टास्क करने तभी मीटिंग बजी है, ऑरेंज और ब्लू थे मेरे साथ तो बचा तू ही। मां येलो जोकर और पर्पल साथ कर रहे हैं, पर्पल पिंक के साथ था तो वो सच नहीं है, फिर तो फिर ऑरेंज होना चाहिए, पिंक या येलो। हाँ येलो मुझे आए, मुझे नहीं लग रहा येलो है, और विजुअल टास्क शायद ऑफ होंगे, ठीक है, नेविगेशन में मिली थी ना डेड बॉडी, मैंने आपको रिपोर्ट करते हुए नहीं देखा मगर नीचे जाके रिपोर्ट करते हुए देखा, मगर चलो ठीक है, आप सस्पिशियस हो मगर कम हो,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है खुद किल करके सेल्फ कर लो, मगर ठीक है आप कम सस्पिशियस हो। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख रख ये ले। इतनी खुशी देख, अगर कोई ब्लू को ऐसे बोलेगा तो हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, बट न्यूट्रल और स्पेस क्रू दोनों में से कुछ होगा, और इंपोस्टर ब्लू नहीं है। ओके, इंपोस्टर ब्लू नहीं है। ब्लू मेरे, मैं और मैं पिंक और ब्लू भाई एक साथ बैठे हुए दिखे। पिंक ने अपना जिमी भी दिखा दिया शू वाला, उसके बाद ये ब्लू जो है ना ये उधर से गया ही नहीं भाई, ये तो ये कैमरा देखने चला गया, मतलब अपरिजीन होके भाई सिक्योरिटी में चला गया। और मैं चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसे गाइस आप देख ही रहे होंगे कि भाई देखो डॉक्टर भी मर चुका है, क्योंकि हमें मारना ही नहीं है किसी को। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें किसी को मारना ही नहीं है भाई। ब्लैक जैक बनो ना तो किसी को मारा मत करो, बस किसी एक के संग रहा करो, जिससे कि वो उसे अभी ये लगे कि हाँ भाई ये मेरे साथ था बंदा, इसने अब तक नहीं मुझे मारा ना ही किसी और को मारा है, तो ये बिल्कुल सेफ होएगा। अब यहाँ पर जो है ना रेड को मैंने ऐसा विश्वास दिला दिया था कि भाई बंदा मेरे को करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो बस मैं किसी कारणवश मैं हार गया। लेकिन रियली बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें ऐसा ही यकीन दिलाना होगा सभी को कि भाई तुम हो ही नहीं यार इंपोस्टर। तो देखो गाइज यार, कभी कभी ऐसा होता है कि सीर आ जाता है, ऐसा ना हो कभी आप सीर के संग जुड़ जाओ। मतलब देखना पड़ेगा कि भाई कौन किसके संग जा रहा है। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने कि देखा करो सबसे पहले यही कि कौन किसके साथ जा रहा है, क्योंकि सीर क्या होता है, सीर पहले सोचता है जाने के लिए कि भाई मैं इसके संग जाऊँ और मैं इसे स्कैन करके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। और भाई एक बड़ी और चीज़ होती है कि इसमें जो है ना एजेंट जब आ जाता है तो एजेंट भी दिक्कत करने लग जाता है, कभी आपके ऊपर भी आ जाता है तीर। तो देखो यार थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़े ना तो भाई मार लिया करो, वरना फिर ऐसे भी देख लिया करो कि हाँ भाई कौन किसे मार रहा है कौन किसे नहीं मार रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने देख लिया कि डॉक्टर ही है तो मैंने भाई डॉक्टर को मार दिया, शेरिफ होता शेरिफ को मैंने मार दिया। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आपको पता चलता रहेगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और देखो मैं चाहता तो वेंट के अंदर रहता, लेकिन इसके अंदर भाई ड्रेनर है। भाई डर था मेरे को ऐसा ना हो कि मैं वेंट के अंदर रहूं तो फिर ड्रेनर मुझे जो है मार देता, ठीक है ना। अब जो है जैसे अगर आपकी टीम में ड्रेनर नहीं आता है ना तो आप कम करो करो पूरे टाइम जो है ना वेंट में रह करो, कहीं ना कहीं तो भाई इंजीनियर जो है ना वेंट जरूर करेगा, ठीक है ना। इंजीनियर के लिए हो गया। अब भाई देखो सुनो, अब बात रही उसकी सीर की, तो सीर को देख लिया करो भाई कि कौन बंदा किसके साथ जा रहा है, अब वो उसके साथ सेफली है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सीर उसी के साथ रहता है कि भाई तू मेरे साथ रही हो, मैं तू मेरे को सेफ लग रहा है ऐसे बोलता है सीर, ठीक है ना। तो वो भी आप देख लेना। अब इसमें तो वार्डन भी आता है तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा कि वार्डन कौन है। मतलब अगर देखो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है ब्लैक जैक का, लेकिन आपको मारना नहीं है तो एक दो तो किला ब्लैक जैक के जो है ना मीटिंग में कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करे, ठीक है ना। अब देखो गाइस यार, कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम खुद ही फंस जाते हैं कि यार ये शायद ये हो सकता है, ठीक है। एक तो देखो हैकर आसानी से पकड़ा जा सकता है, एजेंट भी आसानी से पकड़ा जा सकता है, डॉक्टर भी, ठीक है, और शेरिफ भी, और भाई इंजीनियर भी। मतलब बहुत सारे रोल हैं जो कि हम आसानी से पकड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई स्वैपर भी जो है हम पकड़ सकते हैं, कि हम किसी को वोट करने के लिए कहते हैं तो दोनों बेर जो है ना इधर से उधर हो जाती है वोट, तो शायद यार वो भी क्या बोलते हैं उसका स्वैपर हो यार, ठीक है गाइज। सो गाइज यार फिलहाल के लिए अभी इतना ही, लेकिन यार गाइज अभी आगे भी देखते रहो, बहुत यार बहुत कुछ है आगे, क्योंकि यार फिलहाल के लिए मैंने वीडियो जरा थोड़ी सी वो कर दी थी क्योंकि आपको जरा बहुत कुछ बताना था ना इसलिए। तो देखो गाइज मैं यार देखो कैसे हार गया था, अभी फिलहाल देखना भी, देखो मीटिंग बुलाएगा ऑरेंज, तो देखते रहना गाइज। देखो यार आप बिल्कुल देखते रहना, ठीक है ना गाइज। ओके ओके, तो भाई देख ब्लू पिंक और मैं भाई हम तीनों भाई एक साथ थे तो भाई हम तीनों से थे। रेड और येलो को निकालो एक एक करके, ओके रेड और येलो को निकालो, दो बार देखा जाएगा रेड और येलो को निकालो, ये दोनों ही होंगे, रेड और येलो को निकालो। और सबोडिस तो फिक्स हो गया तो पता नहीं, अब रेड और येलो को निकालो, इन दोनों ही हो गए। देखो भाई मैं पहला दूँ पहली कि भाई मैं रेड के साथ बहुत देर से रह रहा हूँ, रेड ने भाई मेरे को तो कुछ करा नहीं है, ठीक है, और मैं भी एक स्पेस क्रू हूँ इसलिए भाई मैं इसी के संग रह रहा था, एक ही जने के संग, और नहीं भाई किसी और के संग गया ये तो भाई है नहीं कुछ। देखो ठीक है ना, अब तुम तीनों देख लो भाई, तुम्हारी टीम में से कौन इंपोस्टर कौन नहीं है भाई। मुझे तो भाई वैसे शक जा रहा है यार इस पर भाई, ब्लू पर थोड़ा बहुत शक जा रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन भाई रेड एकदम सेफ है भाई, रेड ने अपना वीपन्स वाला टास्क भी दिखाया था भाई, वीपन्स वाला टास्क दिखाया भाई रेड ने, ऐसी बात नहीं है भाई। मेरे को रेड और येलो में से लग रहा है ब्लू आर्टो है उतना तो मेरे को अब कन्फर्म हो गया, क्योंकि ऑरेंज ने सेबोटास ठीक किया था और आर्टो होता तो वो सेबोटास इतनी जल्दी ठीक नहीं करता, वो गांड के पीछे घूमता रहता है,
डील लगाने के लिए, और बचा रेड और येलो, मेरे को तो आप शक पे जा रहे लाए दोनों भाई। अभी रेड कैसे अपना वो गवाही देगा भाई, रेड तो अपनी गवाही दे, उसके बाद मैं बताऊंगा वोट किसको करना है। येलो जोकर भी हो सकता है, व्हाइट तो मर गया, येलो जोकर भी हो सकता है, रेड को वोट करो, रेड को वोट करो, रेड को। मैं जोकर नहीं है। अच्छा मैं अपना एविडेंस दे दूँ, मीटिंग पिछली खत्म हुई, मैंने कैफेटेरिया में डाउनलोड का टास्क किया, ठीक है राइट, विजुअल टास्क ऑफ है, तो मैं अपने आपको ऐसे प्रूफ नहीं कर सकता। अब कर सकते पिंक ब्लू और ऑरेंज साथ थे, और इन तीनों में से कोई इम्पोस्टर हो सकता है, और देखो कोई मरा भी नहीं, देख रहे अब समझे कोई मरा भी नहीं है राइट, इसका मतलब आप तीनों में से भी कोई हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये जरूरी नहीं कि क्यों करे, तेरा क्या होगा कालिया, अब समझे कौन है ये पागल आदमी। अब समझे मैं गाइस, यहाँ पर जो है मैंने बताया ना आर्सोनिस्ट को मार दिया है, लेकिन यार ये एंड का जो सीन है ना यार, रेड भी मेरी सपोर्ट में था, दो जने हम हो रहे थे, लेकिन यार फिर भी पता नहीं यार क्या होता है मेरे दिमाग में, क्या चलने लगता है कि यार मैं ये वाला मैच हार जाता हूँ यार। तुम देखना गाइस, अभी ऑरेंज जो है ना, ऑरेंज है मयूर, मेरे को खेलना ही नहीं है, बोल रहा हूँ ये लोगों का, ये लोगों का टूट करवा रहा है, अब इस मीटिंग में मैं भी जाऊंगा, साला अब पता चल गया मैं सेफ हूँ, साले एक नंबर के खेलना नहीं आता, एक वोट से गेम हम जीत जाते, एक वोट से हम गेम जीत जाते, क्या साला तेरी वजह से गेम हार गए, स्किप करना है मैं। भाई मैं इतनी देर भाई रेड के साथ रह रहा हूँ, भाई मैं शुरू से रेड के साथ रह रहा हूँ, ठीक है, उसको तो मैंने अब तक मारा नहीं, और भाई मैंने जो है किल भी कर दिया यार इतनी जल्दी यार, मैंने पूछा रेड के साथ रह रहा हूँ, रेड को तो पता ही होगी भाई, अब मुझे रेड का रोल ही मालूम है, अगर भाई मैं इम्पोस्टर होता तो रेड का कब को मार नहीं देता क्या, पूछ लो भाई रेड से, अब मुझे पता चल गया ऑरेंज अब तू क्या करेगा, मुझे निकलवा देगा, फिर उसके बाद तू जो है ना यार सेबोटेज करेगा, दोनों में से एक ने एक को जरूर मार देगा भाई, अब तू यही करेगा भाई, ऑरेंज को वोट करके निकालो, ऑरेंज ही इम्पोस्टर है यार। येलो है, रेड पहले थम्स अप दिखा, येलो को तेरा रोल पता है या नहीं, रेड थम्स अप दिखा, अगर येलो को तेरा रोल पता है तो थम्स अप दिखा, कोई भी इमोट दिखा उसको तेरा रोल पता है तो, रेड कोई भी इमोट दिखा अगर उसको तेरा रोल पता है तो, आई डोंट नो, येलो को करो, उसको खुद को ही नहीं पता कि इसको इसका रोल पता है कि नहीं, येलो ही है भाई, येलो नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं आपको एविडेंस दूँ, ठीक है, मैं एक तरह से कह लो येलो का लॉयर हूँ, अब येलो पिंक और मैं साथ थे राइट, और फिर किल हुआ है, इसका मतलब कौन बचा, ऑरेंज, निकाल दो ऑरेंज को, ये इतना बड़ा मैंने एविडेंस दे दिया, इतना बड़ा, अब भी आप येलो पे करोगे जब हम तीनों साथ थे और बंदा मरा, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, अबे वो फैंटम था, मैंने मरा है, फैंटम पकड़ा गया, बंदा नहीं मरा, बेवकूफ रेड येलो को कर, ये तू एक बंदा तो क्यों मारी थी, अरे ऑरेंज की मैंने की तेरी वाली गलती है, मैं सब बोल रही हूं, एक बोलने गेम जीत जाते हैं, मैं उसे वोट कर चुका था, तूने वोट ही नहीं किया उसे। अब देखो गाइस यार, मैं अब यहाँ पे आपको बतला दूँ कि मैं कैसे हार गया था यहाँ पर, ठीक है, मुझे पता चल गया कि मयूर ये है, ठीक है, मुझे सब कुछ पता था कि ये क्या है, अब रेड मेरी तरफ भी था, लेकिन रेड ने क्या करा, रेड ने सब में लास्ट में वोट करा, ठीक है, अगर मैं ऑरेंज को मार देता ना तो यार रेड मुझे ही करता, मैंने सोचा कि जब पहले रेड वोट कर देगा ना तो मैं ऑरेंज को तुरंत मार दूंगा, लेकिन भाई रेड ने यार एकदम बिल्कुल यार बहुत ही कम सेकंड में एकदम से वोट की, और भाई मैं जो ना इसको जैसे मारने के लिए हुआ तो यार मार ही नहीं पाया मैं उसको, मतलब कि यार फिर तो समझ रहे हो ना यार गाइस, यार फिर तो मैं हार ही जाता यार, मैंने यार उसको यार एकदम से यार देख रहे इस जगह जो ना आदमी जो है ना एकदम से यार उसका यार दिमाग जो ना चल जाता है कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ यार, वो उसका फिर नसीब में नहीं होता है, या तो जीते या फिर हार यार, तो गाइस यार मैं ऐसे करके यहाँ पर हार गया था, मैंने सोचा
कि यार उसको मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, बस ऐसे करके मैं फिर मैं हार गया यहाँ पर। सो यार यहाँ पर मैं जो है हार चुका हूँ। तो गाइस बस मैं इतने बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी ब्लैक जैक बनो ना तो गाइस यार किल तो बिल्कुल करा मत करो, बस यार देखा करो कि कौन किसके साथ गया है, कौन कौन क्या कर रहा है, कि भाई वेंट के अंदर ही रहा करो, बस ड्रेनर ना हो। अगर ड्रेनर होएगा ना तो भाई आपकी आत्मा को कोई उठाने नहीं आएगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक यार कर दिया करो यार, कहनी पड़ती यार, कर देते हो ना।